Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Chandrakala, Chandrakala. उसे देखे बिना ये अवस्था है तो देखने पर क्या होगा? जो तुमने कहा वो सत्य है तो आज ही मेरी उससे भेंट करवाओ। इतना सरल नहीं है, धन चाहिए होता है उसके लिए, एक पोटली धन भी कम पड़ता है। जो चाहिए वो करूंगा, पर आज रात्रि मुझे उसके दर्शन चाहिए। आइए, चलिए मेरे साथ, आइए आइए। बस बहुत हुआ, अब भ्राता जानुदेव को यह बताना ही होगा कि भक्ति की आड़ में चल क्या रहा है। अब ज्ञान सभा का आरंभ करते हैं। जिसके मन में जो भी प्रश्न हो वो पूछे। जारुदेव जी, आज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपने जो ज्ञान हमको दिया है, चरित्र का, धर्म का, आचार का, क्या वो ज्ञान सिर्फ हमारे लिए है, आपके परिवार के लिए नहीं है? अच्छा, ये भी छोड़ दीजिए, बस इतना बता दीजिए, बगुला भगत किसे कहते हैं? आप चिंता ना कीजिए भ्राता, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे ही देने दीजिए। बगुला वृद्ध हो जाता है तो मछली नहीं पकड़ पाता, तब वो साधु बनने का ढोंग करता है और प्रवचन करता है। जिससे सभी मछलियां उसे पवित्र पुरुष मानकर उसका प्रवचन सुनने आए और वो उन पर झपट्टा मारकर उन्हें चट कर जाए। क्या यही सिखाया आपने अपने पुत्र पुंडलिक को? आप ये सब क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं वो आप भली भांति समझ रहे हैं, बस ना समझने का दुख कर रहे हैं। योजना तो आपने बहुत अच्छी बनाई। पहले तो आपका पुत्र सज्जन बनने का ढोंग करता रहा, जब लोग उससे प्रभावित हो गए उसके बाद गांव की होने वाली कन्याओं को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है। वो कुछ अनुचित कर रहे हैं तो क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई कि मैंने? नहीं नहीं भ्राता, भूल आपसे कहां हुई है, भूल तो मुझसे हुई है। आपको महान समझकर, आपके संस्कारों को अच्छा मानकर मैंने अपने पुत्र को यहां आपकी छत्र छाया में छोड़ दिया। आ, 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 आ,
पार्वती मारी गई थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो इस ढोंग को सत्य समझकर अपने पुत्र को आपको सौंप दिया। किंतु अब और नहीं, मैं अभी इसी क्षण अपने पुत्र को यहां से ले जा रहा हूं। ऐसा ना करो अनुज, रुको। रोकना है तो पहले अपने पुत्र को रोकिए। मैंने पहले ही कहा था, देर हो जाए उससे पहले थाम लीजिए उसे। वो कहते हैं ना, तब पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग जाए खेत। आज मैंने उसे दयाकर पुष्पों वाले के साथ जाते हुए देखा था। और कहां जा रहा होगा वो रंगालय के सिवाय? रुकिए रुकिए श्रीमान, स्वामी स्वामी क्या हो रहा है? स्वामी संभालिए, स्वामी संभालिए। तो जी क्या हो गया आपको? तो जी संभालिए अपने आप को। स्वामी तो जी धीरे धीरे तो जी भाई जी क्या हो गया? तो जी को कुछ नहीं होगा। पुंडलिक हैं, इस नगर के सबसे धनी व्यक्ति के पुत्र हैं। चंद्रकला से मिलना चाहते हैं। धनी है तो हाथ क्यों खाली हैं? इन्हें बताया नहीं कि चंद्रकला के दर्शन ऐसे नहीं होते। उसके दर्शन के लिए धन के दर्शन करवाने पड़ेंगे। पवित्र नदी की जलधारा उल्टी बहने लगे। पावन हृदय पवित्रता का आकर्षण त्याग कर अंधकारी आचरण की ओर उन्मुख हो। वो पांव जो सदा पावन स्थलों की ओर बढ़ते थे, वो ऐसे अपवित्र स्थानों की ओर बढ़ने को तत्पर होने लगे। विश्वास नहीं होता गणेश जी। जैसे वायु बिना अग्नि नहीं, वैसे ही भक्ति बिना सुमति नहीं। और जिसकी मति मारी जाती है वो सुमार्ग पर नहीं कुमार्ग पर चलने लगता है। और जो अब पुंडलिक करने वाला था वो तो और भी घृणित और विभत्स कृत्य था। ऐसा अद्भुत सौंदर्य, जैसे चंद्रमा स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो, जैसे कोई अनछुआ मोती हो। चंद्रमा की शीतल चांदनी और मोती की चमक इतनी सरलता से नहीं मिलेगी श्रीमान। श्रीमान रुक जाओ, तुम्हें ऐसे जाने की अनुमति नहीं है। ये क्या किया केत की भाई? किसी को भी ऐसे ही चंद्रकला के दर्शन की अनुमति नहीं देती तुम, फिर इसे क्यों जाने दिया? दया कर,
चांदनी की शीतलता तो इसे नहीं मिल पाएगी, पर उस शीतलता में कितनी अग्नि है वो तो इसे समझ लेने दीजिए। चंद्रकला की कला अतुलनीय है, उसका परिचय पाएगा तभी तो लौट के आएगा। रुक जाइए श्रीमान, कहाँ चल दिए आगे? मुख से तो बुद्धिमान लगते हैं और वस्त्र से धनवान, और हम धनवान का स्वागत हृदय से करते हैं, किंतु आप चंद्र के दर्शन के प्यासे हैं और हम धन के दर्शन के। प्रमाणित करनी होगी अपनी आतुरता, जिसका सौंदर्य अमूल्य है उसको बहुमूल्य उपहारों और आभूषणों से रिझाना होगा आपको। तो कहिए श्रीमान जी, कैसे रिझाएंगे, क्या है आपके पास? बहुत कुछ रिझाऊंगा, जो उपहार कहेगी दूंगा। उचित है, तो फिर इसकी योग्य जो भी हो लेकर आए। शीश उठाकर ढूंढ रहे हो कैसे मिल जाए चंद्रकला, शीश झुकाकर हृदय में देखो वही बसी है चंद्रकला। कला वो चली क्यों गई? आपने सुना नहीं, वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आए जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ हो, नहीं तो आप निराश करेंगे उसे। मान गए केतकी भाई, आपकी बुद्धि है या मकड़ी का जाल, जो भी उलझेगा निकल नहीं पाएगा, अपना सब कुछ खोकर उलझता ही चला जाएगा। खोना तो होगा उसे, यदि धनवान है तो अपना धन लाएगा, भरे हाथों आएगा और खाली हाथ जाएगा। स्वामी आप यहां विश्राम कीजिए। कदाचित मुझे इतने कठोर वचन नहीं कहने चाहिए थे भ्राता से। आप चिंता मत कीजिए, प्रभु गोपाला की दया दृष्टि है हम पर, आप सब वही ठीक करेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता, भूल हुई है मुझसे, सभी के सामने आपका अपमान कर दिया मैंने, किंतु क्या करता, मैं भी अपने पुत्र की चिंता में उत्तेजित हो गया था, कहीं दिवाकर भी पुंडलिक के समान
इसी कारण आप मुझे यहाँ से ले जाना चाहते थे ना पिताजी। मैं जानता हूँ, किंतु विश्वास रखिए, मैं यहाँ पुंडलिक भाऊ की नहीं अपितु ताऊ जी की छत्र छाया में हूँ। और ताऊ जी ने मुझे ना भटकने दिया और ना ही कुछ बुरा सीखने दिया। ताऊ जी ने तो मुझे श्री कृष्ण की महिमा और उनकी भक्ति से परिचय कराया। ताऊ जी ने तो सदा मुझे उचित पथ पर चलने की ही प्रेरणा दी है। और आज जब ताऊ जी इस अवस्था में है तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अन्यथा जो कुछ भी मैंने सीखा है वो तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता हूं कि अपने गुरु की सेवा त्याग कर यहां से चला जाऊं, किंतु मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अनुमति दीजिए पिताजी कि मैं ताऊ जी के साथ ही रह सकूं। पुत्र, तुम्हारे सद्गुण ही तुम्हारे शब्द बने हैं और ये सब तुम्हें यही भैया से प्राप्त हुए हैं, ये मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मैं अब ना समझी नहीं करूँगा, तुम्हें भ्राता से दूर नहीं करूँगा। धन्यवाद पिताजी। किंतु इस बात का आश्चर्य अवश्य है, इतने दिनों के साथ में ही तुम्हारे मन में सुविचार और जीवन में सदाचार आ गए हैं, तो वो इनसे वंचित कैसे रहा जिसका पालन पोषण उसके जन्म के साथ ही भ्राता ने किया है? पुंडलिक अपना धर्म करते हुए कैसे भूल गया? आज आपके जीवन पर ही संकट आ गया है, आपको श्वास लेने में कठिनाई हो रही, तो दिवाकर को ही नहीं पुंडलिक को भी आपका ध्यान रखना चाहिए था। इसमें पुंडलिक का कोई दोष नहीं, भीतर से अभी भी वो सदाचारी है, भक्ति से परिपूर्ण आज्ञाकारी और संस्कारी बालक है। पिताजी अभी भी मेरी प्रशंसा ही कर रहे हैं। उसके शत्रु तो उसके कुविचार बन गए हैं, जो एक बार जकड़ ले तो उससे मुक्ति पाना कठिन हो जाता है। फिर सुविचारों को शस्त्र बनाकर उनसे लड़ा जाता है और यह उनसे जकड़ा व्यक्ति ही कर सकता है। जब पुंडलिक के सुविचार कुविचारों पर हावी हो जाएंगे तो अपने विकारों से भी मुक्त हो जाएगा और स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। पुत्री, माँ आपने उसे लौटा क्यों दिया? मुझे उससे एक बार मिलने तो देती, मैं उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देती, मैं उसे विवश कर देती। बार बार लौट के आने पर तो क्या करती, नियम भंग कर देती। वैसे भी खाली हाथ लौटा था, धन तो धन 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 धन। माँ धन के अलावा भी कुछ सोचता है क्या आपको? मेरी भी हृदय की इच्छा थी उसे अपने मोह पाश में बांध के रखने की, यदि वो बंध जाता तो न जाने कितना धन लेकर आता। अब वो लौटकर ना आया तो कैसे नहीं लौटेगा? केत की बाई के केस ऐसे ही धूप में नहीं पके, अनुभव है हमें। सौंदर्य के पुजारियों की रग रग को पहचानती हूं मैं। आप महान हैं अग्रज, जिसने आपका हृदय दुखाया आपको इस अवस्था में पहुंचाया, आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं भ्राता। स्वामी लेटे रहिए। अब मैं कुशल हूं, मेरे हृदय पर तब एक आघात अवश्य लगा था जब मैंने सुना था कि मेरा पुत्र वहां गया है जहां उसे कदापि नहीं जाना चाहिए, किंतु अब मेरी श्वास नियमित हो गई है, प्रभु गोपाला की कृपा से वो सुपथ पर अवश्य लौटेगा, मुझे आशा है वो शीघ्र लौट आएगा। आपने सुना नहीं, वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आएं जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ हो।
नहीं तो आप निराश करेंगे उसे। चंद्रकला, आप उचित कह रहे हैं, कभी ना कभी वो अवश्य लौट आएगा, किंतु अब आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाना होगा, आज्ञा दीजिए। काका आ रहे, मुझे भीतर जाना चाहिए। स्वामी, आपके वचन सत्य हो जाए, हमारा पुत्र शीघ्र लौट आए। सत्य असत्य, अच्छा बुरा सब गोपाला पर निर्भर है। देवी, उनकी जो भी इच्छा होगी मुझे स्वीकार है, क्योंकि प्रभु अवश्य पुंडलिक को सुपथ पर लौटा लाएंगे। शीश उठाकर ढूंढ रहे हो, कैसे मिल जाए चंद्रकला। शीश झुकाकर हृदय में देखो, वही बसी है चंद्रकला। प्रभु गोपाला की कृपा से वो सुपथ पर अवश्य लौटेगा। मुझे आशा है वो शीघ्र लौट आएगा। नहीं नहीं, पिताजी को कुछ नहीं हुआ, वो स्वस्थ हो जाएंगे। मैं व्यर्थ ही संकोच कर रहा हूँ, जीवन का अनुभव लेना है मुझे। सौंदर्य के निकट रहने का ये स्वर्णिम अवसर मुझे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रभु, भक्त यदि मार्ग से भटक जाए तो क्या भगवान भी उसे मार्ग से भटकने के स्थान पर मार्गदर्शन नहीं करा सकते? आप अपने भक्त को सुमार्ग पर क्यों नहीं लौटा लाते प्रभु? राधे, राधे, भगवान का आनंद तो भक्त के साथ ही जुड़ा होता है, और हम अपने भक्त का मार्गदर्शन सदा करना चाहते हैं, किंतु भक्त की इच्छा सर्वोपरि है। वो एक बार अपने भगवान की ओर देखकर कोई संकेत तो दे। अब भक्त की दृष्टि पड़ेगी अपने भगवान पर। पिछाई होगी उसने मेरी प्रतीक्षा में, तो मुझे भी जाना चाहिए बहुमूल्य उपहार लेकर। बस यही मेरा लक्ष्य है, और कोई शंका, कोई विचार, कोई संदेह मेरे मन में आने भी नहीं चाहिए। उसने तो आपको देखा भी नहीं प्रभु। मैं जल लेकर आती हूँ। आप यहीं बैठी ताई जी, मैं जल लेकर आता हूँ। ये प्राप्त होंगे। ये मोतियों का हार, पिताजी,
मैं भजन गान में इतना निपुण नहीं हूँ, फिर भी इतना बड़ा उपहार। ये उपहार नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। फिर तो ये सदैव मेरे साथ रहेगा, इसे मैं कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं। चंद्रकला के दर्शन ऐसे नहीं होते, उसको बहुमूल्य उपहारों और आभूषणों से रिझाना होगा। वो इसे धारण करेगी तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी। भाऊ, भाऊ बाहर आपके पिताजी। कैसे हैं वो, क्या हुआ था उन्हें? आपको लेकर व्यतीत हुए थे वो, उनके हृदय को धक्का लगा था, किंतु आप प्रभु गोपाला की कृपा से वो कुशल है। अच्छी बात है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। किंतु आप कहाँ जा रहे हैं, उनसे भेंट किए बिना, क्या ये गलत नहीं है? उपदेश मत दो, तुम हो ना उनकी सेवा के लिए, उनका ध्यान रखो, मेरा नहीं। और सावधान, उन्हें मेरे आने और जाने के लिए कुछ भी कहा दो। किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं पढ़ा हूं, मेरी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म भी। ये हुआ क्या है इन्हें? मैं अपने पुत्र को जानती हूँ स्वामी, वो घर आएगा, आपको इस अवस्था में देखेगा तो सब कुछ भूलकर आपकी सेवा में लग जाएगा, फिर आपको कोई कष्ट होने नहीं देगा वो। स्वामी, आपके प्रति उसका कर्तव्य, उसका प्रेम, उसके सभी कुविचारों पर भारी पड़ेगा और सभी बुराइयों को भूलकर वो पहले की समान आज्ञाकारी और सुविचारी बन जाएगा। पिताजी, चंद्रमा की शीतल चांदनी और मोती की चमक इतनी सरलता से नहीं मिलेगी श्रीमान। वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आएं। चंद्रकला, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस आ रहा हूं। यदि इन्हें कोई और नहीं रोक सकता तो प्रभु गोपाला क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनसे कैसे रोकूं बाला? उसने तो अपने परिवार को ही नहीं, मुझे भी भुला दिया है। को समय रहते ईश्वर के संकेत समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम के लिए वो स्वयं उत्तरदायी है।